हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज़ में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में नियंत्रण एवं सामंजस्य। तो देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण और सामंजस्य की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें कंप्लीट लेबर डिवीज़न पाया जाता है, संपूर्ण श्रम विभाजन पाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में प्रत्येक कार्य के लिए, ईच एंड एवरी वर्क के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। जैसे अगर भोजन का पाचन होना है तो हमारे शरीर में पूर्ण पाचन तंत्र मिलता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होना है, ब्लड को कंट्रोल करना है, तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेनी है, CO2 को छोड़ना है, तो इसके लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में हर कार्य के लिए एक अलग-अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है। अब इन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना है। कोऑर्डिनेशन कैसा कि अगर एक सिस्टम को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो दूसरा सिस्टम उसकी आपूर्ति कर देगा, उसकी सप्लाई कर देगा। और हमें इन सब डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करना है, नियंत्रण में भी रखना है, ताकि हम लोग अपनी एक हेल्दी लाइफ को, हम लोग अपने शरीर को एक अच्छी मशीन की तरह चला सकें, उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में नियंत्रण एवं सामंजस्य की आवश्यकता पड़ी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। और इसके लिए अलग से एक सिस्टम भी बना दिया गया है, अलग से एक डिपार्टमेंट है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, या जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखिए, मैंने पहले से आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, जिनकी आवश्यकता हमको, जिनकी ज़रूरत हमें अभी थोड़ी देर में पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं सामंजस्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, उनको कॉपरेट करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको कंट्रोल करना है। इसके लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए, हमें एक कंट्रोलर चाहिए, हमें अपने शरीर के लिए एक मैनेजर चाहिए। तो उस मैनेजरशिप को निभाने के लिए हमारे शरीर में एक अलग डिपार्टमेंट और बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट और बना दिया गया, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो देखिए, उस नर्वस सिस्टम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर हम लोग पहुँचते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। देखिए क्या सिस्टम है ये, कि तंत्रिका तंत्र में अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, अपने स्टडी को आसान बनाना चाहते हैं हम, तो हम लोग इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और वो दो पार्ट क्या है, एक तो है मस्तिष्क, एक तो है मस्तिष्क और एक है मेरुदंड, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ब्रेन, और इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब समझिए इस बात को, कि हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन से ही कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुदंड कहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। तो ये पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो कंट्रोलिंग यूनिट है। जैसे कंप्यूटर में CPU काम करता है, सेम उसी तरह से हमारे शरीर में ये जो ब्रेन और इससे जुड़ी हुई जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो एक कंट्रोलिंग यूनिट की तरह काम करती है। अब इस कंट्रोलिंग यूनिट ने पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल वायर की सप्लाई कर रखी है, इलेक्ट्रिकल वायर की सप्लाई कर रखी है, क्योंकि इनके पास तक कोई सूचना पहुंचेगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में पहुंचती है। और इनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी ऑर्गन सिस्टम को, तो भी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इलेक्ट्रिकल वायर निकलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका, या इसको बोलते हैं हम लोग नर्व सेल।
क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल, या एक और नाम है इसका, हम लोग इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो देखिए, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक कंट्रोलिंग यूनिट है, मैनेजेरियल यूनिट है, उनसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं, या ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग है पूरे शरीर में, और इनको अगर कोई सूचना पहुंचानी है तो उसी इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू पहुंचाएंगे, या इन तक कोई सिग्नल आएगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल वायर के द्वारा ही आएगा। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझोगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक हमारे पैर में कोई कांटा चुभ गया, तो उस कांटे की सूचना तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो सूचना पहुंची है ब्रेन तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए हैं उस इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू, और फिर हमारे ब्रेन ने एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना दी हमारे पैर के मसल्स को कि पैर को वहाँ से हटा लीजिए। तो देखिए, सूचना आई है यहाँ पर ब्रेन के पास और फिर ब्रेन से सूचना गई है, तो उसके लिए क्या माध्यम है, इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और वो इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, नर्व सेल, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बन जाती है तंत्रिका कोशिका। तो नर्व सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आई होप आप लोगों को तंत्रिका कोशिका ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग कि तंत्रिका कोशिका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है कि हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे स्टमक में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, हमारी इंटेस्टाइन में अलग प्रकार की होंगी, हमारे यकृत में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, और उन्हीं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका भी एक प्रकार की कोशिका है, और तंत्रिका कोशिका सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तो मैं इसको स्टार लगा के यहाँ लिख देता हूँ, तंत्रिका कोशिका मानव में कैसी है, लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है मानव के अंदर। ह्यूमन में द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन इज नर्व सेल, ठीक है। और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, ये हमारे शरीर में लगभग 10^11, मतलब लगभग 100 खरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये थे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक चीज समझ में आ गई है कि नर्व सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए, नर्व सेल का ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम है, ये बड़ा ही सिंपल डायग्राम है। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना सिंपल हो सकता था, क्योंकि हम लोगों को कोई डायग्राम नहीं बनाना है, हम लोगों को कोर बायोलॉजी का कोई एग्जाम नहीं देना है, हम लोगों को सिंपल कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सफिशियंट है किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, तो ये जो नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है, इसके मेनली तीन पार्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका के तीन भाग, एक ये जो आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं कोशा, इसको बोलते हैं कोशा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोन, ठीक। अब ये जो सिलेंडर जैसा ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और हिंदी में भी इसको एक्सॉन ऐसे ही बोलते हैं। तो देखिए, साइटोन, एक्सॉन, और जो लास्ट वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, या इसको बोल सकते हैं तंत्रिका अंत, नर्व एंडिंग। और यहाँ पे जो आपको फाइबर जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इनको बोलते हैं प्रध्रुव, इस तरह से। डेंड्राइट्स ज़्यादा बोलना आसान है बजाय प्रध्रुव के, ठीक है। तो कभी कभी इंग्लिश भी आसान हो जाती है हिंदी से।
तो देखिए, हमारी जो तंत्रिका कोशिका है उसके तीन भाग हैं, कोशा, एक्सोन और सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब को हम लोग हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे जैसे एक्सोन को लिखा है। तो तंत्रिका कोशिका के तीन भाग हैं। अब देखिए, जैसे हर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ऐसे ही तंत्रिका कोशिका के अंदर भी द्रव्य पाया जाएगा और उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा, वो होगा तंत्रिका कोशिका द्रव्य, या मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ न्यूरो प्लाज्म, न्यूरो प्लाज्म। देखिए, तंत्रिका कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग न्यूरो प्लाज्म या तंत्रिका कोशिका द्रव्य। ठीक। अब इस तंत्रिका कोशिका द्रव्य के अंदर ही आपको ये कुछ ग्रेन्यूल्स, ये कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे, इन कण को बोलते हैं निजल ग्रेन्यूल, निजल ग्रेन्यूल या निजल के कण। इंपोर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि निजल ग्रेन्यूल किस तंत्रिका हिस्सा है। तो निजल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका किसका हिस्सा है, तंत्रिका हिस्सा है। ठीक है। तो देखिए, न्यूरोप्लाज्म के अंदर ये जो हम लोग तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें इसका जो आगे वाला भाग है जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं, साइटोन के केंद्र में है केंद्रक, ये केंद्रक है, और इसके चारों ओर जो द्रव्य है वो न्यूरोप्लाज्म है, और न्यूरोप्लाज्म में ही कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं, उनका नाम है निजल ग्रेन्यूल। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये किसी स्त्री की तंत्रिका कोशिका है, अगर ये किसी फीमेल की नर्व सेल है, तो यही न्यूक्लियस के पास इसमें बार बॉडी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बार बॉडी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे यहाँ लिख देता हूँ, BARR, बार बॉडी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब अगर कभी गर्भ में जो भ्रूण है उसका लिंग जांच किया जाता है, तो ये बार बॉडी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर वो कोई बॉय फीटस है तो उसमें बार बॉडी नहीं होगी, अगर वो एक गर्ल फीटस है तो उसकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनमें बार बॉडी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि बार बॉडी कहाँ पाई जाती है, बार बॉडी तंत्रिका कोशिका का जो न्यूक्लियस है उसके पास में ही पाई जाती है, और ये केवल फीमेल नर्व सेल में पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए, हमने आगे वाला हिस्सा डिस्कस किया है कोशा, साइटोन। इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक के पास कुछ कण हैं जो मैंने यहाँ ऐसे दिखाए हैं, उनको बोलते हैं निजल ग्रेन्यूल, और केंद्रक के पास ही एक बड़ी सी कुछ कण पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बार बॉडी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है, इनका काम है कि सूचनाओं को कलेक्ट करना। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये मैसेज एक एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में जाता है, तो इनका काम है सूचनाओं को एकत्र करना, कलेक्ट करना। ये सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, फिर ये एक्सॉन के माध्यम से इसके एंड तक पहुंचते हैं, फिर दूसरा नर्व सेल आती है उसमें ये उस सूचना को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल, दूसरी नर्व सेल से तीसरी, इस तरह से ये पूरा सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, और फिर ब्रेन इन्हीं के माध्यम से सूचना को फिर उसी अंग तक पहुंचा देता है। तो ये पूरा सिस्टम एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। देखिए, तो डेंड्राइट्स का काम मैंने आप लोगों को बताया। अब देखते हैं कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। जब हम लोग कोशिका, एक स्पेशल चैप्टर है कोशिका, अलग से पढ़ेंगे हम लोग अपने बायोलॉजी सीरीज में, तो मैं वहाँ आप लोगों को बताऊंगा कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग और पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ऐसे ही होता है सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल का क्या कार्य रहता है कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, तो ये सेंट्रियोल उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेंट्रियोल है तो वो सेल डिवाइड हो सकती है, अगर सेंट्रियोल नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगी। और नर्व सेल में ये सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसका मतलब नर्व सेल कैन नॉट बी डिवाइडेड, नर्व सेल विभाजित नहीं होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शरीर में कोशिकाएं, दिन रात कोशिकाओं की डेथ होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका जन्म से हमारे शरीर में जितनी है
उतनी ही रहती हैं, कम हो सकती हैं। मान लीजिए किसी को कोई इंजरी हो गई, किसी की मतलब किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो नर्व सेल कम हो सकती हैं, लेकिन नर्व सेल ज़्यादा या नर्व सेल दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर में जन्म से ही लगभग 100 खरब तंत्रिका कोशिकाएँ पाई जाती हैं, और ये 100 खरब तंत्रिका कोशिकाएँ कभी भी विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर सूचनाएँ कलेक्ट कर ली हैं, ये इसका साइटोन वाला कोसा वाला भाग है। अब आते हम लोग इस सिलेंडर जैसी शेप का ये जो भाग है, ये एक तरह से सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम करता है। और एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसके ऊपर ऐसी कुछ कोटिंग सी की हुई है, ये कोटिंग है इसके ऊपर। होता क्या है देखिए कि नर्व सेल का काम क्या है, नर्व सेल कैसे सिग्नल बनाती है और कैसे उसको ट्रांसमिट करती है। देखिए, जनरली नर्व सेल के अंदर पोटेशियम आइंस कम होते हैं, और बाहर देखो जैसे ये नर्व सेल है तो इसके अंदर पोटेशियम आइन की संख्या कम होगी, बाहर सोडियम आइन की संख्या ज़्यादा होगी। बाहर सोडियम, और सोडियम कैसा है, कैटायन है, मतलब धनात्मक आवेशित आयन है, तो बाहर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाहर सोडियम आयन की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अंदर रिलेटिवली पोटेशियम आयन की संख्या क्या है, कम, तो बाहर हो गया धन चार्ज और अंदर हो गया ऋण आवेशित चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंट बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, विभव अंतर क्रिएट होगा, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है अंदर नेगेटिव ज़्यादा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है 70 मिली वोल्ट, ये सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मेरे अभी हाथ पर कोई मच्छर आके काटता है, तो वो एक तरह का मेरे शरीर को बाहर से स्टिमुलेट किया गया, बाहर से उद्दीपन इसको दिया गया, तो अब मेरी जो सेल, मेरी जो स्किन है, स्किन के अंदर नर्व सेल्स हैं, वो नर्व सेल अब एक्टिव हो गई, नर्व सेल एक्टिव हो गई। इसका मतलब बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा थी, अब वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम थी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, और यदि वो पोटेंशियल डिफरेंस 15 से 20 मिली वोल्ट तक है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 15 से 20 मिली वोल्ट तक है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रूप ले लेगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक नर्व से फिर दूसरी नर्व से तीसरी, और फिर वो पहुंच जाएगा ब्रेन तक, और फिर मैं ब्रेन मेरे को एक सूचना भेजेगा कि अपने हाथ को वहां से हटा लीजिए, या दूसरे हाथ को सिग्नल देगा कि उस मच्छर को मार दीजिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारी जो नर्व सेल है उसमें नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है, 70 मिली वोल्ट, और अगर इसमें बाहर से कोई चेंज होता है और वो चेंज 15 से 20 मिली वोल्ट तक है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रूप ले लेगा, ठीक है। तो एक्सॉन का काम क्या हो गया, ये मैसेज को यहाँ से कैरी करना और एंड तक पहुँचा देना। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर ये जो कोटिंग है, ये जो कोटिंग हुई है, ये हुई है माइलिन, माइलिन एक प्रकार का कंपाउंड है, उसकी कोटिंग है, और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब ये विद्युत कुचालक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अब लीक नहीं होगा, वो सीधे सीधे जाएगा। यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे जाएगा, वो यहाँ पर लीक नहीं होगा। लेकिन बीच में आप लोग देख रहे हैं कि बीच में ये वाली कोटिंग नहीं है, इसका नाम, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, यहां पे जो कोटिंग नहीं है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। पूछा जा सकता है, अब तक तो क्वेश्चन बना नहीं है इस पर, कि नोड ऑफ रेनवियर किसका हिस्सा है, तो तंत्रिका कोशिका का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लीक ना हो जाए, इसीलिए यहां पर क्या पाया जाता है, माइलिन की कोटिंग पाई जाती है। माइलिन एक प्रकार का एक फैट से बना, वसा से बनी एक कोटिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करती है। और यहाँ पर ये है सिनेप्टिक नॉब्स, ये सिनेप्टिक नॉब है जो दूसरे न्यूरॉन के साथ में जुड़ने का काम करती है। जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया है कि मान लीजिए दिस इज न्यूरॉन वन, ये न्यूरॉन वन है, और न्यूरॉन वन का जो सिग्नल है वो यहाँ तक आ चुका है,
ये न्यूरॉन 2 है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप रहता है, इनके बीच में कुछ गैप है। उस गैप को ये जो नर्व एंड ये जो सिनॉप्टिक नॉब हैं वो इससे जुड़ जाती हैं दूसरे न्यूरॉन से, और बीच में जो खाली जगह बनती है उसको बोलते हैं सिनेप्स। या ऐसे समझ लीजिए, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो सिनेप्स के माध्यम से जुड़ता है। किसके माध्यम से? सिनेप्स के माध्यम से। हम लोग आगे अभी देखेंगे इसको। देखिए, तो ये था तंत्रिका कोशिका के बारे में। तीन मुख्य भाग हैं, कोशा, एक्सॉन और ये सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट्स, जो फाइबर जैसी स्ट्रक्चर है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी। अब देखिए, हम लोग तंत्रिका कोशिकाओं को भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका को दो प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तंत्रिका कोशिका को अगर कार्य के आधार पर किया जाए, कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका को विभाजित किया जाए, तो देखो, एक तंत्रिका कोशिका होती है संवेदी, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व सेल। दूसरी है चालक तंत्रिका कोशिका, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अभी मैं इनके सबके काम बताऊंगा, मोटर न्यूरॉन। और तीसरी है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, या इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। इनका काम क्या है? देखिए कि हमारे शरीर के किसी अंग में कोई बाहर से परिवर्तन किया गया, बाहर से कोई स्टिमुलस दिया गया, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने का काम जो नर्व सेल करती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने का काम जो नर्व सेल करती है वो है संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन में से जो फिर सूचना मिली है उसको लेकर, सूचना को लेकर आने का जो काम करती है वो है मोटर न्यूरॉन्स। और संवेदी तंत्रिका और चालक कोशिका के बीच में जो और नर्व सेल हैं उनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स या मध्यस्थ न्यूरॉन। हमारे शरीर में लगभग 100 खरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो इन्हीं रिले न्यूरॉन का पाया जाता है। तो तंत्रिका कोशिका को कार्य के आधार पर तीन भागों में बांट लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स। फिर हम लोग स्ट्रक्चर की बेस पर, संरचना के आधार पर भी देख सकते हैं। कैसे? देखिए, संरचना के आधार पर नर्व सेल को तीन भागों में बांट सकते हैं। देखो, यहां लिख लेता हूं। पहला यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ऐसी नर्व सेल, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें एक एग्जॉन और एक डेंड्राइट पाया जाता है, एक एग्जॉन और एक डेंड्राइट पाया जाता है, वो है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या यूनिपोलर। फिर आती है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है कि जिसमें एक एग्जॉन और दो डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। और फिर आती है मल्टीपोलर कौन सी है? कि जिसमें एक एग्जॉन और कई सारे डेंड्रॉन्स या कई सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो हमारे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रकार की पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका है मल्टीपोलर तंत्रिका कोशिका, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो हमारे शरीर में इन तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा जाल है। जैसे समझिए, हमारा जो ब्रेन है, फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर इससे पूरे शरीर में वायरिंग हो रही है। और ये जो वायरिंग हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने के लिए और लाने के लिए, इस आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं को हमने तीन भागों में बांट लिया है। पहला है संवेदी, जो सूचना लेकर आती है। दूसरी है मोटर, जो सूचना लेकर जाती है। और फिर बीच में आती है रिले न्यूरॉन्स, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है। ये नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम के साथ साथ
एक और सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने एक तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं तंत्रिका कोशिकाएं, और तंत्रिका कोशिकाओं को नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई माना जाता है। और तंत्रिका कोशिका की फिर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है सिनेप्स के माध्यम से। अब पूछ लिया जाएगा एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि एक सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन एक से यहाँ तक पहुँच गया और बीच में है खाली जगह, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए। अब बीच में जो खाली जगह है उसमें भाई न्यूरॉन्स वन और न्यूरॉन टू के बीच में खाली जगह है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जाएगा, जंप तो करेगा नहीं सिग्नल। होता क्या है, इस खाली जगह में पाए जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल फॉर्म हैं, जो केमिकल कंपाउंड हैं, उनमें केमिकल चेंज हो जाएगा, और जब ये केमिकल चेंज हो जाएगा तो उन केमिकल चेंजेस को ये एक्सेप्ट कर लेगा ये जो दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है, फिर ये डेंड्राइट अंदर कोशा में इसको ले जाएंगे जो दोबारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूरॉन एक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर है खाली जगह, फिर है न्यूरॉन टू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो डिसोसिएट हो गए, उनमें केमिकल चेंज हुआ। अब ये केमिकल चेंज को किसने ले लिया, न्यूरॉन टू ने, और न्यूरॉन टू इस केमिकल चेंज को किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। इस प्रकार एक नर्व से दूसरी नर्व तक ये सिग्नल का ट्रांसफर चलता है। अब समझिए, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है डोपामिन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक तरफ केमिकल लिख दिया, एक तरफ उनकी कैटेगरी लिख दी, मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, ऐसे ही एपिनेफ्रिन, और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल है जो ये पूरा काम करता है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा और एक टॉपिक है इसमें जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसे समझिए कि हमारे शरीर में अचानक से अगर कोई चेंज होता है, हमारे शरीर पर अचानक से कोई चेंज होता है, तो हम लोग सडनली एक बहुत प्रतिक्रिया देते हैं उसके लिए। जैसे मान लो कि हमको छींक आती है, तो हम लोग तुरंत, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आया तुरंत हम लोग छींक देते हैं। तो ये छींकने का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन से नहीं आया है, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही आ गया है। ऐसे समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड और ये है ब्रेन, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें से निकले हुए हैं। अगर कोई काम अचानक से होता है तो देखिए होगा क्या, कि मान लीजिए हमने बाहर से किसी व्यक्ति में कोई सुई चुभी उसके, तो सुई चुभने का सिग्नल नर्व सेल, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करेगा अपने दिमाग में कि करना क्या है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर जाएगा उस ऑर्गन के पास। लेकिन कभी कभी प्रतिक्रिया के लिए समय बहुत कम होता है, तो ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता, सूचना ब्रेन तक नहीं जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही रह जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा तो तुरंत कांटे के ऊपर पैर रखता है, वो तुरंत उसको वापस कर लेता है। तो जो सिग्नल था वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही गया, वो ब्रेन तक नहीं आया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस लौट गया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोफेसर थे मार्शल हॉल, उन्होंने ये दिया था। मैं एक बार आपको छोटे से डायग्राम से बता देता हूँ। देखिए,
वो छोटा सा डायग्राम देख लें आप लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पर है कोई अंग है मेरा और इसमें हमने बाहर से सुई चुभो दी, ठीक, सुई चुभो इसके, या कांटा लग गया ऐसे समझिए। तो अंग से जैसे ही उसके ऊपर कोई कांटा लगा तो हमारी जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को कहाँ तक लेकर जाएंगी? हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर ब्रेन इस सूचना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ही किसको देगा? मोटर न्यूरॉन्स को देगा, और मोटर न्यूरॉन फिर इसको सूचना देगी कि भाई अपना पैर उस कांटे पर से हटा लीजिए। लेकिन ये जो हमने अभी पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें ये प्रक्रिया पाई गई कि अंग से जो भी सिग्नल है वो सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस लौटकर आ गया, ताकि समय कम लगे, हमें उसकी रिकवरी में समय कम लगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल, मार्शल हॉल एक वैज्ञानिक थे, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया। तो अभी मैंने आप लोगों को तंत्रिका तंत्र में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका कोशिका, और मेनली तंत्रिका कोशिका पर ही बात की है। अभी अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो के अगले भाग में ही कि हमारा जो ब्रेन है उसमें, देखिए ब्रेन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड खुद एक यूनिट है, हम लोगों को बहुत ही सुपरफिशियल और इंटरलिंक्ड टॉपिक पढ़ना है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ब्रेन का ये डायग्राम बनाया ही हुआ है आप लोगों के सामने, इसी को हम लोग देखेंगे अभी, और फिर हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रकार पाए गए हैं, उन प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए हम लोग अब मानव मस्तिष्क का जो डायग्राम है इससे हम लोग मानव मस्तिष्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए कि हमारे मनुष्यों में शरीर के आकार के अनुपात में मस्तिष्क का साइज जो है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए हम लोगों में IQ लेवल सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बना था PCS प्रीलिम्स में। तो मनुष्य के आकार के अनुपात में जो मस्तिष्क का आकार है या जो उसका वजन है वो सभी जंतुओं में, सभी जीवों में सबसे ज़्यादा है, और हमारे मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 1400 ग्राम है, 1400, मतलब लगभग 1.5 किलो का हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन बड़ा ही डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हमारे जो खोपड़ी है इसके अंदर बड़े तरीके से इसको जो है फिक्स किया गया है, ताकि बाहर से कोई शॉक या बाहर से कोई चोट इसको आसानी से ना लगे। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख ही पा रहे हैं, ये हमारी है खोपड़ी, स्कल बाहर, ठीक है, इस स्कल के अंदर, अच्छा इसको बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स या खोपड़ी बॉक्स, ऐसे बोल दीजिए। तो क्रेनियम बॉक्स है, इसके अंदर हमारा ब्रेन बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है। आप लोगों को ये तीन लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन तीन लाइनों को बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन के ऊपर जो तीन लाइन की कवरिंग है उसको बोलते हैं मेनिंजेस। अगर इसमें कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। देखिए जब भी किसी नाम के पीछे ITIS जुड़ा हो, आइटिस जुड़ा हो, तो समझ लीजिए वो इन्फेक्शन की बात हो रही है। अगर मेनिंजिस लेयर में कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। अच्छा ये जो मेनिंजिस हैं ये तीन है, इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो वो सीक्वेंस क्या है? देखो सबसे बाहर की जो लेयर है, परत है, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। इसके बाद जो बीच की है उसको बोलते हैं अरेक्नोइड, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे इनको, अरेक्नोइड। और जो सबसे अंदर की है ये वाली, ये जो है सबसे अंदर की, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पाया मैटर, PIA, पाया मैटर। तो देखिए ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर, ये जो पाया मैटर है इसके माध्यम से ही ब्रेन की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई किसके माध्यम से होगी? पाया मैटर के माध्यम से होगी। और देखिए एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल
ताकि बीच में मॉइस्चराइजर या लुब्रिकेंट का काम कर सके, कोई शॉक अगर बाहर से आ रहा हो थोड़ा हल्का फुल्का तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे ब्रेन खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट है, उसकी जो तीन लेयर हैं वो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इनका सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कैसे भी। और जो पाया मैटर है उसके माध्यम से ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को होती है। ठीक, अब हम लोग अपनी स्टडी के लिए ब्रेन को तीन भागों में बांट लेते हैं। अब वो तीन भाग कैसे हैं, देखिए मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, आगे वाला भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है फोर ब्रेन। फिर है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और फिर आता है लास्ट में पश्च मस्तिष्क। हर मस्तिष्क के भाग का अपना अपना काम है, वो देखेंगे हम लोग। और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये जो फोर ब्रेन है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक है सेरेब्रम और दूसरा है डाई एन सिफलॉन। मध्य मस्तिष्क को हम लोग नहीं बांटते। पश्च मस्तिष्क के फिर तीन भाग कर लेते हैं, पोन्स सेरेबेलम और मेडुला ओब्लेंगोटा। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही है कुछ वीडियोस में, मेडुला ओब्लेंगोटा। अब देखिए हम लोगों को बहुत डिटेल में मस्तिष्क नहीं पढ़ना है कि कौन सा भाग कौन से काम करता है, बस इतना हल्का फुल्का हमको पढ़ना है। तो देखिए फोर ब्रेन के दो भाग हैं, सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो फोर ब्रेन है ये पूरा अंदर वाला ये फोर ब्रेन, इसका जो मैक्सिमम भाग है वो सेरेब्रम ही है। हमारा जो मस्तिष्क है इसका जो मुख्य भाग है वो फोर ब्रेन का क्या है, सेरेब्रम है। हम अपने ताउम्र जीवन में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमने कोई भी कला सीखी है, हमने भी किसी भी विषय में डिग्री ली है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी सेरेब्रम के अंदर स्टोर होती है। अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है तो समझ लीजिए उसका जो सेरेब्रम है, जो उसका मेमोरी कार्ड है सेरेब्रम वाला, वो किसी ने इरेज कर दिया है। ठीक है, सेरेब्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट है, और हमारी बुद्धि, विवेक, चिंतन सब सेरेब्रम के माध्यम से होता है। और हमारे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग क्या है, सेरेब्रम है। फिर देखिए डाइएन्सेफेलॉन, फोर ब्रेन का ही दूसरा भाग है डाइएन्सेफेलॉन। इसमें दो भाग आते हैं, इसमें एक है थैलेमस, मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, और दूसरा है हाइपोथैलेमस। अभी मैं एक छोटी सी टेबल और बनाऊंगा जिसमें इनके काम सारे लिख दूंगा। सेरेब्रम मुख्य भाग है, बुद्धि, विवेक, चिंतन, मेमोरी, याददाश्त सब इसमें स्टोर है। डाइएन्सेफेलॉन के दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके क्या काम है अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा। हिंड ब्रेन के तीन भाग हैं, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लेंगोटा। तो ये जो सेरेबेलम है इसी को बोलते हैं हम लोग छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग, जैसे नाना पाटी का डायलॉग मारता है कि यहाँ नहीं मारने का, यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो ये सेरेबेलम वाला भाग है। अब देखिए ये पूरा भाग है सेरेब्रम, आगे वाला डाइएन्सेफेलॉन, ये भाग है डाइएन्सेफेलॉन, और इस डाइएन्सेफेलॉन में देखो ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और इसी में ही छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये है पीयूष ग्रंथि। हमको देखिए मेडिकल तो करना नहीं है, यहाँ पर MBBS तो करनी नहीं है, हम लोग अपने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत आसान सा मैंने यहाँ पर ब्रेन का डायग्राम बनाया है। और ये जरूरी नहीं है कि लोकेशन परफेक्ट यही लोकेशन हो, लेकिन हमारी समझ में ये आ रहा है कि हाँ ये पीयूष ग्रंथि है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, फिर ये मिड ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा है ये मिड ब्रेन है, और इसके नीचे ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं
यहाँ से, ये सारा हिंड ब्रेन का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क। और इस पश्च मस्तिष्क में क्या आ रहा है, बोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लेंगोटा। ये जो मेडुला ओब्लेंगोटा वाला भाग ये है, और यही मेडुला ओब्लेंगोटा आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में ही चालू हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इसी मेडुला ओब्लेंगोटा से ही जुड़ा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे, देखो ये हमारे सिर का ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे मैंने आपको थोड़ा सा इसको बाहर की ओर निकाल के दिखाया है ये वाला भाग। तो अगर हम लोग चाहें तो फोर ब्रेन को ऐसे भी पढ़ लेते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। मतलब का नहीं है, इसीलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है इसमें। आप लोग याद रखेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके भाग मैंने बता दिए हैं। अब हर भाग का क्या काम है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी जिससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने ब्रेन के भाग अभी यहाँ पढ़े हैं, फिर अब हम लोग इन भाग से कौन सा कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य कंट्रोल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेरेब्रम, इसमें बुद्धि, चिंतन और याददाश्त, और हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है याद या मेमोरी, मेमोरी कर देते हैं इसको। हमारा व्यवहार कैसा होगा ये भी यही डिसाइड करता है व्यवहार। फिर है थैलेमस, थैलेमस देखिए डायएनसेफेलॉन का भाग है थैलेमस, और थैलेमस ये रहा। थैलेमस देखिए हमको दर्द, अगर कोई दर्द है ठंडा गर्म, इसका अनुभव हमको कराता है ठंडा गर्म और दर्द का। हाइपोथैलेमस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा भाग है लेकिन इम्पोर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है, जैसे अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, युद्ध होता है, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं ना हम की मुख्य समस्या की वजह है, तो वो यही हाइपोथैलेमस है, क्योंकि यही सारे कंट्रोल कर रहा है, प्रेम, घृणा, गुस्सा, युद्ध, ये सब हाइपोथैलेमस। और बायोलॉजिकल क्लॉक, जैव घड़ी, जैसे हम लोग अगर 3-4 दिन लगातार सुबह 4 बजे जग जाएं तो 5वें दिन अपने आप आँख खुल जाती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी जो डायबिटीज़ जो लोग उनको हो जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस। अब आते हैं हम लोग मिड ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा है मिड ब्रेन, छोटा सा हिस्सा है मिड ब्रेन, जनरली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है प्रतिवर्ती क्रिया। मैंने आपको जो बताया था अभी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाती है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारी आंख पे कोई रोशनी डालता है तो हमारा जो प्यूपिल है, हमारी जो अंदर का जो लेंस है काला वाला, वो छोटा हो जाएगा। तो प्यूपिल का साइज, PUPIL, प्यूपिल का साइज यही कंट्रोल करता है। पोन्स, ये हमारी रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है, रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया। सेरेबेलम, हमारे नियंत्रण में जितनी प्रक्रियाएं हैं, वॉलेंट्री एक्शन, हमारी इच्छा से होने वाले जो काम हैं, जैसे इच्छा से होने वाले काम, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ मेरी इच्छा है, तो ये सेरेबेलम। मैं साइकिल चलाऊँ, सेरेबेलम। मैं एक पैर पर खड़ा हो रहा हूँ, बैलेंस बना रहा हूँ, सेरेबेलम। हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कोई स्किल करते हैं, हम लोग एथलीट हैं, हम लोग मान लीजिए कोई कला दिखाते हैं, हम कोई जादूगर हैं, तो वो सारी स्किल सेरेबेलम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, साइकिल चलाना, जैसे ये चौक नीचे गिर जाए मैं इसको उठाऊं, तो मेरा पोस्चर मेंटेन, मेरा बैलेंस बनाने का काम कौन सा हिस्सा करेगा, सेरेबेलम। और फिर आता है मेडुला ओब्लेंगोटा, जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हृदय गति, श्वसन दर, छींक आना, वो सब मेडुला ओब्लेंगोटा ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो अभी हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मस्तिष्क के भाग, उसके कार्य पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए और कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं। पढ़ाई के को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीकृत तंत्रिका कोशिका, इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब साइड में, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आ जाएगा ब्रेन,
और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और मतलब मस्तिष्क और मेरु रज्जु या मेरु दंड, ये आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब इससे जो तंत्रिका कोशिकाएं निकली हैं उसको बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब साइड में जो नर्वस सिस्टम काम करेगा वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर दो भागों में बांट लेते हैं, एक है ऑटोनोमस या स्वाधीन नर्वस सिस्टम और एक है पराधीन, ऐसे समझ लीजिए। स्वाधीन का मतलब कि जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हमने खाना खाया हमारा डाइजेशन ऑटोमेटिक होगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बाद वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी इच्छा से, इसको पराधीन ना लिखे हम लोग लिखते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक वॉलेंट्री, हमारी इच्छा से जो चीज़ कंट्रोल हो सकती है, जैसे इच्छा से क्या हम पढ़ रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग खड़े हैं, हम लोग डांस कर रहे हैं, तो ये सारा काम हम लोग ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में पढ़ लेते हैं। और देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है साइटिका नर्व, सबसे बड़ी SCIATICA, साइटिका, आपने नाम बीमारी भी सुनी होगी साइटिका, तो साइटिका जो नर्व है वो हमारे लोअर बैक से और पूरे थाइस तक एक ही तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका साइटिका नर्व। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, हमारे ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व, क्रैनियल CRANIAL, और ये होती हैं 12 पेयर में, 12 पेयर। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, और ये होती हैं 31 जोड़े या 31 पेयर, 31 पेयर। तो देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एकदम जनरली जनरल साइंस के जो टॉपिक्स बनते हैं जो पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा बायोलॉजी मैंने इसमें नहीं लगाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सजेशन है कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।